हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ बेल के बटन पर क्लिक करें जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कानपुर यूनिवर्सिटी ने जैसे ही बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी किया, उसके बाद हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स के कमेंट्स लगातार विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कानपुर यूनिवर्सिटी और हमारे पर्टिकुलर चैनल पर स्टूडेंट कमेंट्स करने लगे हैं कि सर, क्या कानपुर यूनिवर्सिटी ने इस बार जो रिजल्ट जारी किया है वो बिना कापी चेक किए जारी कर दिया है, क्योंकि इसके काफ़ी कारण स्टूडेंट को प्रतीत होते हैं। जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव में देख लिया जाए, स्टूडेंट ने सही ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर होता है, तीन पेपर में किसी के दो किसी के एक पेपर ऑब्जेक्टिव इस बार रखे गए थे, उसमें भी स्टूडेंट के किसी के दो किसी के चार नंबर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि जो स्कैनर से जो ऑटोमेटिकली स्कैनर से कॉपी चेक होती है उसमें कुछ गलत इनपुट डाल दिया गया, इसीलिए स्टूडेंट के नंबर दो तीन आए हैं। और काफ़ी सारे तो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें नंबर 00 दिए गए हैं जबकि उनके ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव नंबर अच्छे आने चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका रिजल्ट में अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी उनका रिजल्ट फेल कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट में रोष है कि आखिर में कानपुर यूनिवर्सिटी हर एक साल ऐसा क्यों करती है, क्या बिना कॉपी चेक किए ही यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये कानपुर यूनिवर्सिटी की खबर है, परीक्षा परिणाम में खामी, छात्रों की बड़ी परेशानी। ये देखिएगा, यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने परिणाम जारी करने में लापरवाही बरती है, इससे छात्रों की परेशानी और बढ़ गई है। विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने अपने अपने कॉलेज प्रबंधन से इसकी शिकायत की है। यहाँ पर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में पढ़ देते हैं कि यहाँ पर बताया गया था कि बीएससी सेकेंड ईयर के परिणाम में सांख्यिकी विषय के तीन में से दो प्रश्न पत्र में किसी के छात्र को अंक नहीं मिले हैं। ऐसे ये एक फॉर एग्जांपल है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज कानपुर के कॉलेज का, क्राइस्टचर्च कॉलेज का, पीपीएन कॉलेज के इत्यादि देख सकते हैं, बीएनडी कॉलेज का। लेकिन ऐसे कानपुर यूनिवर्सिटी के विभिन्न बहुत सारे हज़ारों की संख्या में कॉलेज हैं जिनमें कि लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनमें यह प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि स्टूडेंट के किसी में दो नंबर, किसी में तीन नंबर, किसी में चार नंबर, किसी में नंबर चढ़े ही नहीं हैं, और जिनमें चढ़े नहीं हैं वो पास हो गया, जिनमें चढ़े हैं वो फेल हो गया। इस पर एक विस्तृत वीडियो हम ला चुके हैं जिनमें हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट को जिसको फेल होना चाहिए वो उसको पास हो गया, जिसको पास होना चाहिए उसको फेल हो गया। ऐसा पर अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया, जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर प्रूफ वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा ही लगता है जैसा कि साक्ष्यों के आधार पर, प्रूफ के आधार पर विभिन्न स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट शेयर किया है कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने कापियां चेक नहीं की हैं। खासकर अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इसमें भी कुछ संशय प्रतीत होता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि उनके 75 में या 50 में से 50 नंबर आने चाहिए, 45 नंबर आने चाहिए, 60 नंबर आने चाहिए, ऐसे स्टूडेंट के 2 से 3 नंबर दिए गए हैं। तो आखिर में किस आधार पर दिए गए, ये टेक्निकल इशू है कि और कोई प्रॉब्लम है, कानपुर यूनिवर्सिटी को तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान में लेकर स्टूडेंट के हित में निर्णय लेना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनमें यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो वेट करिएगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर कम आए थे लेकिन आफ्टर लगभग 10 से 12 दिन बाद उनका रिजल्ट रिवाइज्ड हो गया था। अब रिजल्ट रिवाइज्ड होगा कि नहीं, उस पर भी वीडियो आ चुका है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। आपकी राय क्या है कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने कापियां चेक की हैं या नहीं की हैं, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और रिजल्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, हालांकि कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उनमें एक नोटिस जारी हो गया है, नोटिस कॉलेज के माध्यम से ही स्टूडेंट को जारी हुए हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जिन्होंने कहा है कि जितने भी स्टूडेंट में ये खामियां पाई गई वो तत्काल प्रभाव से अपनी हार्ड कॉपी लेकर कॉलेज प्रशासन पर अपनी शिकायत दर्ज करा लें, जिससे कि वो शिकायत कानपुर यूनिवर्सिटी को प्रेषित की जा सके। अगर आपने आपके कॉलेज ने ये अभी तक
कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, तो आप तत्काल प्रभाव से अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा और उनको बताइएगा कि ऐसी प्रॉब्लम हमारे रिजल्ट में आ रही है, इसको तत्काल प्रभाव से यूनिवर्सिटी के माध्यम से सही कराया जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या बीएड में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या जो कुछ भी अपना वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं आया है, जिसका सीधा घाटा स्टूडेंट को मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट के कम नंबर दिए गए हैं, फेल कर दिया गया है, किसी को 2 किसी को 4, इससे सीधा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी में, या तो कापियां चेक नहीं हो या जल्दबाजी में टेक्निकल एरर की वजह से कुछ ये स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेकिन कन्फर्म रहिएगा, 1-2 दिन में जो भी होगा तत्काल प्रभाव से कानपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से और अपने इस चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।